रोडों की दशा देखो ना आप कैमरा लेके, बरसात के दिनों में गोड्डे फूट गए, अभी तक तैयार नहीं हो रहे। आप किसको जिताएंगे? आप किसको जिताएंगे? बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी है हमारी। बीजेपी तो राजवर्धन सिंह राठौड़ है भैया, वो नहीं जीतेगा। ये हम कैसे पार्टी आप बीजेपी को जिताएंगे? हम नहीं जिताएंगे उनको। पढ़ने वाले बच्चों को पैसे देते तो पढ़ाई तो पूरी होती, वो मोबाइल को क्या करेगा? लेडीज बिगड़ गई। अब उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था वहाँ 5 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले। बीजेपी पागल को भी देके दे देगी ना टिकट, तो उसको भी वोट देंगे। हाँ बाबा, कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव? छोटा झटका कटा रहे लाल झट कटा रही हो क्यों? काम करो ही करो इतना का। क्यों राजवर्धन सिंह या प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ? वो तो काय कौन करियो मागंट है इस क्षेत्र के मायने। 10 साल में एक बार भी नहीं आया। 10 साल में एक बार? 10 साल में एक बार ही नहीं आया। एक बार भी नहीं है, 10 साल हो गया सांसद बने हुए। राजवर्धन सिंह 10 साल से आए ही नहीं, एक बार भी नहीं है। कोई काम किया हो तो बताओ उसने, कोई कहीं भी कोई 50 रुपए भी। अभी उनको जरूरत है तो अभी वो मीटिंग करने के लिए हर प्रचार कर रहे हैं, हर जगह पर कर रहे हैं। ऐसे सबसे ज्यादा काम एक तो हमारे गणेश नगर इधर निवा रोड की तरफ हमने एक तो लालचंद कटारिया है, ठीक है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा अपने आशु सिंह सूरपुरा है जो अच्छा, मतलब हर पूरा मार्केट में चल रहे हैं और उनके बारे में चारों तरफ चर्चा चल रही है और आने वाले भावी चुनावों में उनकी जीत होने की संभावना है। राजपाल सिंह शेखावत भी बड़े नाराज है राजवर्धन सिंह, उससे मैम उनको कोई वो मतलब नहीं है। राजवर्धन सिंह राठौड़ से इतनी नाराजगी? नाराजगी की बात नहीं मैम, जो काम करे उस चीज को लेके हम बहुत जीतेंगे, आगे करेंगे काम। मतलब वो आगे काम ही नहीं कर रहा कुछ चीज को लेके। इसको जिताएंगे? पार्टी का नाम बताइए। पार्टी का नाम बीजेपी है हमारी। बीजेपी तो राजवर्धन सिंह राठौड़ है भैया, वो नहीं जीतेगा। ये हम कैसे पार्टी आप बीजेपी को जिताएंगे? हम नहीं जिताएंगे उनको, हमारे उसके आशु सिंह सूरपुरा भी उसी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम झोटवाड़ा की बात कर रहे हैं, झोटवाड़ा से ही वोट लड़ रहे हैं। झोटवाड़ा से बीजेपी 2 प्रत्याशी उतार रही है, वो अपने मतलब वो उसके अंदर चुन रहे हैं अपने। तो ये कैसे हो रहा है भैया? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो? हाँ तो निर्दलीय है ना बीजेपी, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं तो है राजवर्धन है, तो आप बीजेपी को जिताएंगे? राजवर्धन सिंह राठौड़ को हराएंगे? हम हमारे उसके स्टाफ को ही देंगे। देखो सीधी सी बात है, ये कह रहा है लालचंद जी को जिताएंगे। रोडों की दशा देखो ना आप कैमरा लेके, बरसात के दिनों में गोड्डे फूट गए, अभी तक तैयार नहीं हो रहे। आप किसको जिताएंगे? आप किसको जिताएंगे? बीजेपी को जिताएंगे? बीजेपी को? राजवर्धन सिंह, राजवर्धन सिंह राठौड़ को और मोदी को? ये तो कह रहे 10 साल से आई नहीं वो। कौन है राजवर्धन? तो आएंगे, सब आ रहे हैं बेचारे, जगह जगह दौरा कर रहे हैं राजवर्धन सिंह। लालचंद जी नहीं आए, कह रहे वोट मांगने आ रहे हैं काम के लिए। 10-10 बार लालचंद जी को एप्लीकेशन दे के आए, सुनाई नहीं किया लालचंद जी हमारी। और पटवारी का काम था, फिर क्या करेंगे उसको वोट दे के? ये तो कह रहे हैं कि अब जब चुनाव आ गया है वोट मांगना है। वोट मांगने आएंगे सबके सब। ये रोड, ये देखो काला रोड की रोड, दशा देखो क्या हो रही है। आप जो हमने बैठ जाइए, आप जो थोड़ा पुड़िया से काड़वाड़ तक जाओ, क्या दशा हो रही है रोडों की? फिर लालचंद जी को वोट देंगे? काय बात से देख के क्या लेने के लिए देंगे? काम को किसने बनाया? पुड़िया के काम चल रहा था, पुड़िया का काम किसने कर चालू हुआ था? गलत गलत ऐसे तो आप ऐसे करो, वो हो गया, वो हो गया, क्या हो गया? गलत है ये। ये तो ये 5 साल अपन बढ़ लो जेब, 5 साल अपन बढ़ लो जेब, और कुछ नहीं है। ये रोडों के मामले कितने आदमी मर गए बेचारे। तो भैया सुनिए ना, ये कह रहे हैं कि अब वो वोट मांग, पुलिस वाले आने, सुनो पुलिस वाले आने, पुलिस वाले जो गलत है उसको तो सही कर देते हैं और सही को गलत कर रहे हैं इस टाइम में। 10 साल में वोट मांगने के लिए अब आ रहे हैं ना वो आपके पास, वोट मांगने आ रहे हैं। हम जाए जूती तोड़ के चप्पलों पे आ गए कांग्रेस वालों के पीछे पीछे, हाँ चप्पलों पे आ गए जूती तोड़ के। सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, कैसे देख लेना आप बाबू जी, चश्मा तो बोला ड्रावर लगवा लेना, वो कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। बीजेपी हम बोल रहे हैं लालचंद कटारिया कांग्रेस का है, वो तो आने वाले टाइम वो तो टिकट भी नहीं मिलेगा। बड़ा कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पर। रुको, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी से प्रत्याशी है शक्तिशाली, वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, लेकिन आप राज्यवर्धन को नहीं जिताएंगे? वो चुनाव लड़ने की उनकी कटारिया जी की चुनाव लड़ने की तिथि वहाँ पर आमेर से प्रचारित करने की संभावना उनकी, ठीक है। लेकिन भैया झोटवाड़ा में कौन जीतेगा? बीजेपी कांग्रेस कौन? बीजेपी कांग्रेस। आप तो राजवर्धन से इतने नाराज हैं? नाराज तो है पर करे क्या, हमारे आदमी को वोट देंगे ना हम। अच्छा, अब वोट तो टूटेंगे ना, मतलब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ से नाराजगी है। आदमी खड़े हो रहे कैंडिडेट, उसके अंदर एक वोट तो टूटेगा ना। आज आप, मैं आपको वोट दूंगा या इनको वोट दूंगा, वोट तो टूटेगा ना। चाचा आइए आप जी, देखिए झोटवाड़ा क्षेत्र के अंदर कम से कम 5 से 10 लाख विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या आती है, अब उसमें से एक ही व्यक्ति को सीट मिलेगी, किसी को भी मिले, अब एक को मिलेगी, बाकी जितने भी हैं वो सारे नाराज ही रहते हैं एक दूसरे से। बीजेपी से उसको वोट देंगे, किसी को भी मिल जाए, किसी को भी मिलो, किसी को भी मिले बीजेपी, चाहे पागल जो रोड पे पागल है ना उसको बीजेपी टिकट दे दी। नीचे उतरिए,
दर्द हो रहा है, ये लागी हुई है रोड पे, पड़ा हुआ हूं ये देखो। अच्छा माफ करिए, माफ नहीं 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 रोड पे गिरा हुआ हूं मैं, रोड फूट गई जगह जगह। अच्छा बताइए पागल भी क्या क्या कह रहे थे आप अभी? बीजेपी पागल को भी दे देगी ना टिकट, तो उसको भी वोट देंगे। क्या जबरा फैन है, बहुत बढ़िया वाले भक्त हैं क्या आप? हाँ बीजेपी के पूरे भक्त भगत हैं। क्यों बीजेपी में ऐसा क्या खास है? वो कुछ भी मत करो लेकिन उसको ही देंगे वोट। अभी कल का पेपर देखा आपने न्यूज वगैरह? हाँ। जो यहाँ मंदिरों में भी ताला लगा, क्यों मंदिर बंद करवा दिया? मंदिर इसीलिए बनवा दिया ना कि वोट भी चाहिए ना मुसलमानों को, उनको वोट चाहिए मुसलमानों को, मंदिर बंद करवा और क्या। अब उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था वहाँ 5 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले, अभी जो यहाँ पे हुआ था कन्हैयालाल की बात, हाँ रामगंज में जो मिला था 50 लाख मर रहा है उसको, तो हिंदू मर जाते हैं उसको 50 लाख छोड़िए 5 लाख नहीं देते, और मोमडन मर जाते हैं उसको 50 लाख सरकारी नौकरी डेयरी बूथ। अच्छा। ये तरीका आ गया, तो मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं अशोक गहलोत, और क्या हो रहा है यहाँ? वही हरी इसी पे चल रहा है सारा देश, और किस पे चल रहा है? हिंदू मुस्लिम पे ही चल रहा है। तो राजवर्धन सिंह राठौड़ को मोबाइल दिए, मोबाइल की वजह रोडों में पैसे लगाते, पढ़ने वाले बच्चों को पैसे देते तो पढ़ाई तो पूरी होती, वो मोबाइल को क्या करेगा? लेडीजे बिगड़ गई, विधवा औरत की जिंदगी नहीं होती, तो विधवा को और पेंशन वगैरह अच्छी तरह दे ना, वो मोबाइल का क्या करेगी? उसका आचार थोड़ा डालेगी, आप भी समझदार हो इस बात का। मोबाइल से बात करना बुरी बात है क्या? तो काम तो नहीं होता ना घर का। आप मोबाइल नहीं रखे हैं? मैं तो एक फोन रखता हूँ, तो मजदूरी के लिए आ जाता फोन तो चला जाता हूँ। तो उनका नहीं कोई, उनको नहीं अर्जेंट काम पड़ सकता? उनके तो घर में और भी फोन है। तो आपने जनता को सुना, झोटवाड़ा की जनता को सुना, उन्होंने अपनी राय रखी किसकी सरकार बनेगी आपने सुना, लेकिन 25 नवंबर को चुनाव है, जनता का मूड कभी भी बदल सकता है, इसीलिए 25 नवंबर तक हम आपको विधानसभा राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे, आपको बताएंगे कि जनता का मूड कैसा है, मिजाज कैसा है, चुनावी समीकरण कैसे बदल रहे हैं, सारी अपडेट देंगे। बस आप वीके न्यूज के साथ बने रहिए। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।